फैन चलता है तो लाइट थोड़ा ऐसे ऐसे फ्लिकर करता है। सो गाइस, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। आप सभी के घरों में गणपति जी आ चुके हैं। हमारे घर में तो अभी तक आए नहीं हैं, उनका आशीर्वाद होगा तो जरूर एक दिन खुद का घर भी होगा और वो आएंगे भी। और अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि उस चीज से बाहर निकलने के लिए मुझे एक टारगेट पकड़ना है कि मुझे डेली कुछ काम करना है जिससे एक अर्निंग सोर्स हो, और 60 से 65 हज़ार रुपये कुछ जल्दी कुछ दिनों में जमा करके मैं अपने प्यारे से कैमरे को बना सकूं। वो मेन कैमरा है, अगर वो बनेगा नहीं तो थोड़े काम करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी बिल्डिंग में तो भाई लिफ्ट है नहीं, तो यहाँ हम अपने क्लाइंट के पास आए हैं। मतलब तुम्हें पता है, स्टूडियो होता तो क्लाइंट हमारे पास चल के आते, लेकिन फ्रीलांस में ये होता कि मैं हर चीज के लिए क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। सो वही ये 2-3 महीने पहले शूट किया था वेडिंग, और अभी ये भी मतलब भूल गए थे और हम भी दूसरे काम में बिजी हो गए थे, क्योंकि एक टाइम होता है 10 से 5 दिन में अगर वो काम नहीं निपटता ना तो भाई वो काम फिर दबता 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 चला जाता है। ये तो वो स्टॉप है, और वैसे इस पे व्यूज जो है यार 2.9 लाख व्यूज है। और तूने तू वीडियो देखता है यार, थैंक यू सो मच यार। मतलब फैन, मतलब इतना इतना ये इतना बड़ा भाई, इधर लाइट में आ जा, ये इतना बड़ा फैन है ना कि भाई 8 साल हो गए हैं इसके शरीर में एक बुंद भी मांस बढ़ा नहीं है। इतना बड़ा कट्टर फैन है ये मेरा, एक बुंद भी मांस बढ़ने नहीं दिया, और बढ़ने मत देना तू। वैसे हम वादियों में घूम के आए, दोस्त लोग के गणपति देख के आए, सभी के घर पे गए, मस्त मोदक खाया, क्लास में भी गया। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भैया एक सेविंग करना स्टार्ट करना है, जल्दी से कुछ दिनों में कुछ पैसे जमा करना है कि मैं अपना कैमरा बना सकूं, तो सब के गैरेज पे आया था। अब वापस जाएंगे गणपति दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है पहला दिन। कल जैसा मैंने बताया था कि टारगेट है रोज कुछ ना कुछ करने का, तो फाइनली आज एक कॉल आया। और कॉल तो 2 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता पहले आ गया था, लेकिन बीच में कॉल आया नहीं था। वो भी अचानक से कॉल, मतलब 4 घंटा पहले कॉल आया था कि भाई आज शूट करना है। तो कैमरा, लाइट्स और यहाँ पे फ्लैश लाइट्स रेडी हो चुका है। एक चाय पीते हैं, फटाक से चलते हैं। शाम के यहाँ पे 4:30 हो चुके हैं। चाय बनाने में तुमको टाइम कहाँ लगता है, चाय बनाने में? इनको तो पट से बना गायब पट से चाय, यहाँ पे एक जन के लिए चाय पट से बन जाता है। सो यहाँ पे गणपति जी का आज दूसरा दिन है, कैसे एक दिन चले गया पता नहीं चला। और मैं तो यहाँ पे 2 घंटे मस्त सो लिया, और सो के जब उठता हूँ ना थोड़ा कभी कभी सर फ्रेश लगता हूँ। लगता हूँ क्या फ्रेश? मतलब क्या बात है, यहाँ पे चाय आ गया और चाय लाने वाली चली गई। और यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, कि जितना खर्चा है वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस चीज का बहुत पैसा दिया है क्विंट भाई। और अपग्रेड के हिसाब से जो न्यू सीजन आ रहा है उसके हिसाब से भी एक अपग्रेड की जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन ये जो चीज हो गया ना तो थोड़ा सोच रहा हूँ कि अब अपग्रेड करूँ, लेकिन देखते हैं जो होता है ना वैसा करेंगे। हो गया, एक काम खत्म हो गया। अब कार नहीं था, कार बीमा आया, उसको बाहर जाना था दे दिया, तो सब ये सारा सामान बाइक पे लेके आना पड़ा। और तीसरे फ्लोर पे था काम, लिफ्ट नहीं बिल्डिंग में, कुछ ज़्यादा सामान लेके आ गया था। अब चलते हैं, पता नहीं जो काम किया वो देने जाएंगे, मतलब कॉपी करके वापस इनको भेज देंगे फटाक से। ये अपार्टमेंट है, ये रही अपनी बेबी टाइगर। अब ये जो बैग है इसको कैसे ना कैसे लेके जाएंगे, इसके ऊपर ही नहीं, लाइट आ रहा है भाई, भाई दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कि रूल चेंज हो गया, पहले लोग 11:15 बजे 12:15 बजे बर्थडे विश करते थे, लेकिन अब टाइम कितना हो रहा है भाई, टाइम बताएगा जरा? 12:35, मतलब बर्थडे हो के आधे घंटे से ज्यादा हो गया और अब भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जला भाई, जला जल्दी से भाई, जल्दी जला भाई, जल्दी क्या है, जल्दी जलाओ क्योंकि बर्थडे बहुत हो चुका है लेट। और चैंग कोई बात नहीं, तू ब्लॉग देखता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या ब्लॉग, चैंग ब्लॉग देखता है तो अच्छी बात है। इधर देख, तेरे दोस्त का यहाँ पे अकेला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। भाई चैंग बड़ा आदमी बन गया है, वो इंडिया का नहीं है, समझ गया, वहाँ का है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग सीख रहा है। पीछे से हवा आ रहा है, वही जो तो हवा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है इसी का ही हवा है।
उसको नीचे रखो ना धनंजय भैया, क्या कर रहे हो? नीचे मतलब नीचे नहीं भाई, उसका मुंह मुंह उसका मुंह नीचे कर भाई। हाँ हाँ मेरे मुंह पे ला। अरे भाई हवा आ रहा है भाई, एसी बंद कर भाई, हवा आ रहा है, एसी बंद कर भाई, एसी बंद कर भाई। ये केक आज लगता हो नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। सीधा रखो, मुझे जाएगी चलेगा, किसे मुंह पे नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई एक मिनट बाद बंद होगा, अब जलेगा। हाँ अब जल जाएगा भाई, अब तेरा बर्थडे मनेगा। बर्थडे मनाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाओ भाई लाओ, हमें तो घर ही निकल रहा था। अच्छा हो कि तूने फोन कर दिया भाई, तो ये भी नहीं मालूम पड़ता मेरे को। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हो। जो लोग भी कमेंट करते हो ना, पढ़ता तो हूँ और रिप्लाई भी पूरा देता हूँ मैं। और अभी घर पे आ गया आकाश का बर्थडे सेलिब्रेट करके, और आप लोगों के लिए यहाँ पे इसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, एलईडी लाइट्स, HJG का दिखेगा, उस प्योर ओरिजिनल। और इस बैग के अंदर भी ये बहुत सारा है, कल आपको दिखाऊंगा। और ये चीज आपको कैसे मिलेगा उसके लिए भी आपको कल बताऊंगा। यस आई विल स्टार्ट। जो मैं कुछ दिन पहले, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एक दुकान देख रहा था कुछ स्टार्ट करने के लिए, वो यही था, बाइक्स एक्सेसरीज, मतलब बाइक्स के लाइट्स, कार के लाइट्स, जो फाइनली स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर। कहाँ पे कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ है आप भी जा सकते हो, लेकिन हमारे से भी, हमसे भी आपको मिलेगा। दो पानी दो, चाहे उल्टा रखो या सीधा रखो, ये अपना काम एकदम परफेक्ट करता है। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। रात को जो आपको दिखाया था सामान, वो भी रिवील करेंगे कि आपके पास कैसे आएगा। और अभी एक कंपनी में आए हैं काम के लिए, कि जो मेरे साथ हो गया है एक कैमरे के साथ एक्सीडेंट, उसको प्रॉपर करना है, उसका काम जल्दी करना है। इसलिए जो भी काम मिल रहा है उस काम को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो बोल सर, मेरी एक कंपनी है यहाँ पर, हम आए हैं मीटिंग के लिए, अंदर बात चल रही है, हम बाहर आराम से बैठे हैं। यस और आज सुबह सुबह पहली बार बोल सर में एक्सपल्स पे मुझे मामू लोगों ने पकड़ा, हाथ में थमा दिए, चले गए, क्योंकि गाड़ी पे आगे नंबर प्लेट नहीं है, इसलिए वो ठीक करना पड़ेगा अपने को। ये रहा वो सारा सामान, ये सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, ऐसे बहुत स्टॉक है हमारे पास। अभी सिर्फ कैसा एक एक पीस उठा के लाया हूँ, और भी आधा मैंने लिया नहीं है। इतने सारी चीजें, ऐसी एलईडी लाइट इतनी सारी है कि आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। सो ये देखो, यहाँ पे ये दो एलईडी लाइट से बाइक के लिए, HJGU का यहाँ पे सारा ओरिजिनल है, जो कि खुद हम लेके आए हैं। और ये सब चीज जो है ये अब सेल होने वाला है। तो अभी ये आप कहाँ से लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का आईडी मिलेगा, जहाँ पे आप जाके इन प्रोडक्ट को देख सकते हो और इसके बारे में आप मैसेज कर सकते हो कौन सा लेना है। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ये हार्नेस के साथ आते हैं, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं लेना पड़ेगा। बाकी जो बाकी में वायरिंग रहता है, जो आपको बाइक में करना पड़ेगा, इसमें इसके अलग से ऐसे वाले वायर आते हैं। तो ये सब का जो है प्राइस आपको इंस्टाग्राम पे रिवील हो जाएगा कि आपको ये कितने में मिलेगा, कैसे है। और ये देखिए, ये एलईडी लाइट जो कि आप मतलब अच्छे जगह पे अच्छी से यूज कर सकते हो। अगर आप बोईसर्स के बाहर से हो तो फिर तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कुरियर का, क्योंकि कुरियर में फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो है। अगर बोईसर में ही हो, अगर आप आ सकते हो बोईसर लेने के लिए, तो बहुत अच्छी आया, मतलब तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको आराम से हैंड टू हैंड में आपको दे सकता हूँ ये सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं, मैसेज करके DM करके प्रोडक्ट को देख सकते हो और फिर ले सकते हो। तो सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या है। वैसे भी और भी बहुत सारे स्टॉक है यार, लेकिन वो आपको दिखेगा मेरे एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसका नाम है ब्राइट राइट लॉन्ग राइड। सो अब चलते हैं एक दूसरे शूट पे, बैक टू बैक दूसरे दिन भी एक शूट आ गया। ये छोटा मोटा ही शूट है, लेकिन है, काम आ रहा है, अच्छी बात है कि मैं फटाफट पैसे जमा कर पाऊँ। और जो मेरा ख़राब कैमरा हो गया, उसे बस जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करनी है। ये भी है ख़राब, लेकिन चल जाती है टाइम टाइम पे। कार को ऐसे ही पार्क करना है, मतलब मेरी सिटी है बाहर, बार बार निकलती है, तो सीधा पार्क करो और सीधा मेन रोड पे निकालो। बस रोड पे रिक्स हो जाता है, एक दिन तो गाड़ी ठोक दिया था ट्रक वाले को। अच्छा वो अंकल आप रुके हो, एक ऐसे बैग लेने में दिक्कत होता है। तो चलो टाइम सही है कि कोई गाड़ी पीछे नहीं है। वाह आसमान देखो कितना
खुला आसमान दिख रहा है, ये देखो ब्लू स्काई दिख रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं, क्या करें, ऐसा टाइम, ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि ये कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे रिक्शे वाले को टर्न करना होता है, उनको नया भाड़ा भी लेना होता है, जिसके वजह से टाइम लग जाता है। अब ये यहाँ पे टर्न मारे, थोड़ी दूर जाऊंगा, आगे भी टर्न मारेंगे। वो देखो वहां पे लोग उतर रहे हैं। पीछे देखना, हाँ यस, ऐसे रहना, फुल फोटो। एक मिनट, हाँ अभी पीछे देखना, यस हाँ, एक मिनट, ओके तो रेडी, ऊपर ही पकड़ो, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, अरे और नीचे, नीचे वाले पे, बीच वाले थोड़ा अपने तरफ लो हाथ, हाँ ओके, वेट फुल फोटो, अभी लुक कैमरा, हाँ थोड़ा सेशन में देखो, देखना इनको, मैम को देखना, शाम को, हाँ ओके चलो, मस्त मस्त है फोटो। अब ये जो आप देख रहे हो लाइटिंग, ये है बोईसरचा राजा, जिनको 100 साल हो गया है, मतलब देश आजाद होने से पहले बोईसर में इस गणपति का स्थापना हुआ था। देख के बहुत ही अच्छा लगता है यार। और बोईसर में ऐसे बहुत बड़े बड़े गणपति हैं, 2018-19 में पूरा कैप्चर किया था। अब लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जाके घूमे दिखाए, क्योंकि अभी का जो मेरा टाइम है बहुत खतरनाक है, कम टाइम में बहुत कुछ कवर करना है मेरे को, जो मेरा कैमरा खराब हुआ है। और आपने देखा कि क्लाइंट, मतलब जो मेरे दोस्त लोग थे, अभी दोस्ती बोलेंगे उनको, क्लाइंट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है काम के टाइम पे, अपने एज के रहते हैं, फिर बातें बातें होती है, ऐसी कैमरे के पीछे हम खाने पीने जाते हैं काम के बाद। तो जो थोड़ा सा आपको दिखाया अच्छा लगा, और लगता है कि अब मुझे यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई आज है 2.5 दिन की गणपति का विसर्जन, और मेन रोड पे हम स्टेशन के रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक है, तो सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ से सब लोग यू टर्न मार रहे हैं, भाई साहब अंकल भी वहाँ पे यू टर्न मार रहे हैं, मुझे यू टर्न मारने मिलेगा कि नहीं क्या पता, गलती कर दिया यहाँ से आके। तो वहाँ पे 2.5 दिन का गणपति विसर्जन जा रहा है, और इतनी सारी प्यारी म्यूजिक बज रहा है कि भाई अपने आप को नाचने से रोक नहीं सकते, लेकिन कमबख्त ये कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हम आकाश के बर्थडे का पार्टी लेने जाने वाले, 9 तारीख है आज, और 10 तारीख को आप देख रहे हो, सारा काम धाम खत्म कर लिया आप करते पार्टी करने के लिए। यस, एक होता है उम्र नाचने का, जब नाचे, अब उम्र है कमाने का, उसके पीछे भाग रहे हैं। बोलना ये है, तो कल हमने 12:35 पे भाई का केक काटा था, आज हमने 12 बजे इनका जेब काटा है, मतलब यहाँ पे आ गए दावत करने के लिए, मिस कर रहे हैं चैंग को, चैंग थैंक यू सो मच, तू गया है, खर्चा बच गया हमारा, तूने पैसा, हाँ देखो भाई चैंग जो हमारा बाहर गया लास्ट टाइम, उसने वहां से पैसा भेजा था, तो हमने पार्टी किया था, इसने यहाँ से पैसा भेज दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया, तो आ गए बोईसर से। मैं भी हाईवे पे सम्राट रोड, जहाँ पे बहुत पहले से आते हैं, यहाँ पे घर, मतलब घर है हमारा दूसरा, लेकिन डिस्काउंट कुछ नहीं मिलता है यार, ऐसा कुछ नहीं, प्यार मिलता है, तो पार्टी करते खाते और इसके बाद चलते हैं घर पे। और देखो 2 दिन से ऐसे चल रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी धपाधप काम आए और फटाफट अपना टारगेट कम्प्लीट हो जाए। अपना भाई क्या तो देखा भाई, हंसने तो भाई काम कर रहा है।